बिग बॉस विजेता हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय इल्विश यादव हुआ फरार, सांपों के जहर विदेशी लड़कियों के साथ कराता था रेव पार्टी, बीजेपी सांसद मनेका गांधी के एनजीओ ने दर्ज कराया मामला, गिरफ्तार साथियों ने लिया इल्विश का नाम, जहरीले इल्विश ने दी मनेका गांधी को चुनौती। मेरा भाई कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इल्विश यादव ये नाम बड़ी तेजी से उभर कर हिंदुत्ववादी पोस्टर बॉय की तरह बिल्कुल सबके सामने आ गया। इल्विश यादव वीडियो व्लॉग बनाने से लेकर सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर बढ़ाने से लेकर फिर अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी सोच को लेकर लोगों के सामने, बिग बॉस का विजेता बनने के बाद फिर गमला चोरी का भी आरोप लग गया, तो इल्विश यादव अब फरार है। नोएडा सेक्टर 49 के पुलिस स्टेशन में इल्विश यादव और उसके 5 साथियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। 5 साथी गिरफ्तार हुए हैं, कुल मिलाकर के ये 6 आरोपी हैं। तो ये इल्विश यादव, सबसे पहले आपको बता दें कि इल्विश यादव बिग बॉस का विजेता भी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, और किस तरह का ये इन्फ्लुएंस करता है, मुंह में राम बगल में छुरी, दिल में कुछ दिमाग में कुछ, कहना कुछ और करना कुछ, जहर और नफरत बांटने वाला इल्विश यादव जहर की रेव पार्टियां कराने के लिए अब जाना जाने लगा है। और यह काम किसी और ने नहीं किया, जिस भारतीय जनता पार्टी का और उसकी जननी आरएसएस के हिंदुत्व का पोस्टर बॉय ये जहरीला इल्विश यादव बना हुआ है, उसी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है मनेका गांधी, उनकी पीएफए पीपल फॉर एनिमल ये उनका संगठन है, देश भर में काम करता है गौरव गुप्ता, उनके एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हैं नोएडा के। इनकी टीम को सूचना मिली थी कि इल्विश सांपों का जहर बेचता है, सांपों के जहर की रेव पार्टियां कराता है और उसमें विदेशी लड़कियां भी होती है। कई दुर्लभ प्रजाति के सांप, कोबरा से लेकर रेड स्नेक तक के ऐसे सांप जो है जहर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जानकारी मिलने के बाद गौरव गुप्ता ने अपने एक मुखबिर को इल्विश यादव के पास भेजा, इल्विश यादव से बात हुई, इल्विश यादव ने कहा ठीक है ये नंबर लो, इसका नाम है राहुल यादव, राहुल यादव से तुम संपर्क करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस उसे मेरा नाम कह देना, मेरा नाम लेकर कब बात करना। कहकर इस व्यक्ति को जब पूरी बातें इल्विश ने बताई तो इल्विश ने यह सारी जानकारी पीएफए के नोएडा की इस टीम को दी, गौरव गुप्ता की टीम को। फिर गौरव गुप्ता ने डील तय की, डील तय करके नोएडा में ही एक जगह रेव पार्टी करना तय किया गया। 2 नवंबर की रात को ये रेव पार्टी हो रही थी, बिल्कुल तैयारियां हो गई थी, और उसी दौरान पीएफए के गौरव गुप्ता और उनके अन्य साथियों ने नोएडा पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन दोनों के साथ मिलकर यहां छापामारी की। छापामारी करने के बाद यहां पर जो लोग पकड़े गए, 5 लोग थे, उनकी तमाम तस्वीरें, उनके पास से बरामद किए गए 5 कोबरा, 1 पायथन अजगर, 2 मुहे, 2 सांप और 1 रेड स्नेक बोलकर एक और सांप है, ये कुल ऐसे 9 सांप मिले हैं, 20 मिलीलीटर जहर मिला है। सांपों का जहर जो है वो नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कितना नशीला और जहरीला है इल्विश यादव, जिसका ये भयानक और क्रूर चेहरा अब लोगों के सामने है। मगर इल्विश यादव जो खास करके देश के माइनॉरिटी को, मुसलमानों को टारगेट किया करता था और इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अक्सर किसी न किसी बहाने जहर उगलता था, यह व्यक्ति सलमान खान जैसे सुपरस्टार के बिग बॉस शो में विजेता भी बनता है, उसके बावजूद इसकी जहरीली जबान जो है वो सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, इसका जहरीला व्यवहार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने सार्वजनिक सभा में, अपने एक पब्लिक प्रोग्राम में उसको महिमा मंडित करते हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी घर पर बुला करके हाल ही में जो गणेश उत्सव हुआ उसमें श्री गणेश की आरती भी कराते हैं। जहर युवा पीढ़ी को देने वाले इन्फ्लुएंसर जहरीले इल्विश यादव के हाथों, कई भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्रियों के साथ में उसकी तस्वीरें हैं, सब हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरीके से ये जहर उगलता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये इल्विश यादव इस मामले के उजागर होने के बाद इसके जो तमाम साथी हैं, राहुल यादव, टीटू नाथ, जयकरण, नारायण, रविनाथ, ऐसे ये 5 साथी जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। अब गंभीर धाराओं के तहत इनके ऊपर मामला नोएडा सेक्टर 49 की पुलिस ने दर्ज किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर
पीएफए की अध्यक्षा बीजेपी सांसद मनेका गांधी ने खुद मीडिया को इसकी जानकारी भी दी है। मीडिया ने जब पूछा है तो उन्होंने किस तरह से ये पूरा जाल बिछा करके एलविश यादव को घेरा गया है इसकी खुद उन्होंने जानकारी दी है। इतना ही नहीं, कई बड़े चैनलों से बात करते हुए मनेका गांधी ने यह भी कहा है कि एलविश यादव ये व्यूज पाने के लिए और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सांपों के साथ खिलवाड़ भी करता था, उसके वीडियोस भी मौजूद है। तो ये सब कुछ काफी गलत है और आजकल कंटेंट बनाने के लिए प्राणियों के साथ गलत बर्ताव और गलत व्यवहार भी किया जा रहा है, खास करके एलविश यादव जैसे जहरीले लोग सांपों से जो है वो खिलवाड़ कर रहे, न कि खिलवाड़ कर रहे बल्कि उनका जहर तक का जो है रेव पार्टियों में पहुंचा करके पैसा कमा रहे हैं। वहीं एलविश यादव ने इस मामले में इस्कॉन पर गत दिनों जो बीजेपी सांसद मनेका गांधी ने आरोप लगाए थे और इस्कॉन ने उनको एक कानूनी नोटिस भेजा था, उस मामले का आधार लेते हुए कहा कि जिस तरह से इस्कॉन के मामले में आपको मुंह की खानी पड़ी है उसी तरह से मेरे भी मामले में माफी मांगने के लिए तैयार हो जाइए, वरना फिर चुनौती का सामना कीजिए। तो इस तरह की चुनौती भी इस एलविश यादव ने दी है। कुल मिलाकर के देश में बढ़ती हुई नफरत को और बढ़ाने के लिए अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना करके जहर का कारोबार करने वाले हिंदुत्ववादी पोस्टर बॉय एलविश यादव, जो कि अब साबित हो चुका है कि जहरीले है, वो दावा कर रहे कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे। वहीं आश्चर्य की बात यह है कि तमाम धाराएं इस मामले में जो लगाई गई है और जो 5 एलविश के साथी गिरफ्तार किए गए हैं, इन सभी को पुलिस द्वारा जब कोर्ट में पेश किया गया तो एक दिन की भी रिमांड कोर्ट ने नहीं दिए, इन्हें सभी को न्यायिक हिरासत में यानी जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि हिंदुत्ववाद का पोस्टर बॉय एलविश यादव, इसके सर पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के और हिंदुत्ववादी संगठनों के बड़े नेताओं का हाथ है, वो हाथ अब काम करना शुरू कर दिया है। मगर एलविश यादव को घेरा है खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद मनेका गांधी और उनके पीएफए संगठन ने। तो देखते हैं कि किस तरह से एक प्राणियों के लिए लड़ाई जो इस संगठन द्वारा लड़ी जा रही है और जहरीले लोग विचारों के जहर के साथ साथ युवा पीढ़ी में जहर के नशे का लत जो है एलविश जैसे लोग जो लगा रहे हैं उसके खिलाफ ये लड़ाई क्या रंग लाती है और क्या रुख अपनाती है। तुम्हें पता हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारे देश के अंदर गद्दार बैठ रखे हैं, और सबसे ज्यादा गद्दार तुम्हें पता कौन है? मैं वो नहीं बोलूंगा, किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करूंगा। मैं भाई तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मैं मीम पेज देख रहा था, उसमें डाल रखा उन लोगों ने, ये देखो तालिबान में कितना बुरा हो रखा है, पहले औरतें कितनी आजाद घूमती थी, अब देखो बुरके के अंदर आ रखी है, ये बेचारियों के राइट छीन लिए। उसके अंदर कमेंट पड़े भाई, मैंने इंडियंस के कमेंट थे सारे कि बिल्कुल सही हो रहा है, हम तो जी तालिबान के साथ हैं इंशाल्लाह। मैं टारगेट नहीं कर रहा, बट जो लिख रखा था मैं वो बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया में कायम होगा, सब बुरका पहनेंगे, शरिया कानून चाहिए हमें इंडिया में, ये चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, फिर तुम बोलोगे एलिस भाई तुम हिंदू मुस्लिम करते हो। भाई हिंदू मुस्लिम करता हूँ, हिंदू मुस्लिम रहते हैं हमारे देश में, और जरूरत पड़ रही है करने की। और बात बात पे जो हिंदू बोलते हैं ना कि भैया ये मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं रहे, आज मेरे समझ में आ रहा कि हमारे देश के अंदर इंटरनल एनिमीज इतने जो मोदी जी को कुछ करने नहीं दे रहे। जो सरकार भाई यूएन में सर रख के बैठी थी कश्मीर मुद्दे के ऊपर, वो अकेले 370 हटा दिया मोदी जी। कोई साथ दे या ना दे भाई, हम लोग आपके साथ है, आप लाओ, आप एनआरसी लेके आओ, एनपीआर लेके आओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ, क्योंकि भाई तालिबान ने हमारी आंखें खोल दी। ये दल्ले आज आतंकवादियों को टारगेट नहीं कर पा रहे, उनको उनके खिलाफ दो शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहे। लड़कियों का जो ऑक्शन हो रहा है उन पे बिल्कुल चुप्पी है। मैं सोच रहा हूं अगर हमारे देश में ऐसी चीज हो गई ना, ये उस पे भी चुप रहेंगे, अनु कह देंगे मार रहे हैं कोई बात नहीं, पर स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं। देखो भाई मैं तो अनअपोलोजेटिक हूं, तुम भी बनो। फायदा जी 49 में क्या पूछ रहा हूं मैं? देखिए गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने थाना 49 में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उसने ये कहा है कि हमने एलविश यादव से संपर्क किया था एक रेव पार्टी के लिए और सांपों की व्यवस्था करने के लिए। उस पर उसने राहुल यादव नाम के व्यक्ति का फोन नंबर हमें दिया था, उसके आधार पर हमने निम्नलिखित लोगों को जो बुलाया था, जिसमें सपेरे हैं और ये राहुल यादव है, और उस पर फॉरेस्ट की टीम और पुलिस की टीम गई थी तो उनको पकड़ा था। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं, इनसे 9 सांप बरामद हैं और लगभग 20 ml सांपों का जो जहर है वो बरामद हुआ है। इस पर FIR पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है जी। PFA ने ट्रैप लगा करके उनको उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो
सांप अक्सर पहनता है, तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम, तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। तो मुख्यमंत्री तो तारीफ करता है कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं उनके साथ। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि TRP बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक दफा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। मैं प्रॉब्ली कह रही हूँ कि बीजेपी संरक्षण दे रही है एलबी यादव को। फोन उठाया और कंधा में कि ये मुझे मालूम नहीं बेटा, ये हमारी टीम ने किया है। मैम कितने दिनों से ट्रैक कर रहे थे आप लोग? सर्च कर रही है लेकिन अभी तक वो फरार चल रहे हैं। अब वो फरार है, क्या मांगे गिरफ्तारी उनकी? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। मैम ये कहा जा रहा है कि जो वीडियो शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए? नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी, SHO सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियो शूट हुए हैं, और भेजा मैंने ही भेजा। मैम कितने दिनों से आप लोग ट्रैप करने? कई दिनों से बेटा। मैम ये टोटल कितना रुपए का पेमेंट हुआ था और कितने रुपए पेमेंट किस थ्रू गए थे? मुझे नहीं मालूम, सचमुच में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेमेंट किया, मुझे लगता है कि उनको कहा गया कि यहाँ आओ तो पेमेंट हाथों हाथ मिलेगा। मैम जब ये FIR हुई, क्योंकि कल ये नोएडा पुलिस ने की थी, आज के न्यूज पेपर्स में भी है, तो बाद में पूछताछ में कुछ नाम सामने आए, तो क्या एलबी से आप लोगों को कोई कॉन्टेक्ट करने की, पुलिस को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है? हमें तो नहीं किया, मालूम नहीं किसको और किया। मैम जो काम आप, जरूर कोशिश तो करेंगे। मैम जो काम आपकी संस्था ने किया, नोएडा में इस तरह की रेप पार्टियां हो रही थी, जो वहां की एजेंसियां हैं जिनको ये काम करना चाहिए, उनको लगता है कि उन्होंने लापरवाही की? देखिए ऐसे है कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ब खुद जीरो इनिशिएटिव लेती है जानवरों के मामले में, लेकिन जानवरों के साथ जितने क्राइम्स होते हैं यहां से लेकर के रेप तक, वो NGOs को करना पड़ता है। एक हम लोगों ने बनाया था एक ऑफिस जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB, उसको बने हुए करीबन 15 साल हो गए, आज तक वो बंदे दफ्तर से बाहर निकले नहीं। तो NGOs काम करते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि पुलिस ने एकदम रिस्पॉन्ड किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। मैम कुड यू टॉक अबाउट द लीगल रेपरकशन दिस मे हैव फॉर एल्विस यादव? ही शुड गो टू जेल बेटा, दिस इज अ Grade 1 क्राइम, 7 years इन जेल, इट्स अ वाइल्ड लाइफ क्राइम। सी यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कोबराज व्हेन दे लूज देयर वेनम दे डाई, बिकॉज जो वेनम होता है उनको खाना डाइजेस्ट करने के लिए भगवान ने दिया या सृष्टि ने दिया। जब आप वेनम निकालेंगे तो ये कुछ खा नहीं पाते, और जब वो खा नहीं पाते वो भूख से मर जाते। तो आप जब वेनम निकालते हो तो मान लो कि जानवर भी मर गया, और इस देश में बहुत कम कोबरा और बहुत कम पाइथन्स रह गए, इसीलिए सरकार ने इनको Schedule 1 पर डाला। इनको पकड़ना, इस्तेमाल करना, ओन करना संगीन जुर्म माना जाता है। बेटा मुझे नहीं पता, और इससे बड़ा रैकेट हो सकता है, क्योंकि ये तो जरूर होगा। एक आहिस्ते आहिस्ते अब पुलिस के ऊपर है कि वो धागे ढूंढे। हम लोगों ने इनको दिया था बहुत साल पहले, इन्हीं लोगों जिन लोगों ने ट्रैप किया इनको, इन्हीं लोगों ने मंगूस है के ट्रैप्स बनाए थे। तब तक किसी को देश में मालूम नहीं था कि जो पेंट ब्रश कैमलिन और अन्य लोग इस्तेमाल करते हैं वो मंगूस के पूछल को काट करके इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के वो धंधा बंद हुआ।
हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एलविश यादव, और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ, ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ़ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें, और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं, अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ।